चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और वीडियो के लास्ट में दिल लहलाने वाली खबर को मिस ना करें। इकोनॉमी पर बोली वित्त मंत्री, कहा 9 साल में सबसे तेजी से बढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था। चावल के दाम में लगी आग, एशिया के 15 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कीमतें। मध्य प्रदेश में फिर लाडली बहनों को मिलेंगे 10,000 रुपए, सीएम शिवराज रीवा से खाते में डालेंगे राशि। देश में ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता जा रहा क्रेज, ई कॉमर्स कंपनियों के ऑर्डर वॉल्यूम में शानदार ग्रोथ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, पीएम मोदी की मौजूदगी में चुनाव समिति की बैठक। पंजाब के 4 जिलों में बाढ़, गाँव में घुसा पानी। राजस्थान में गहलोत का ओबीसी पर बड़ा दाव, जातिगत जनगणना कराने और रक्षण बढ़ाने का फैसला बनेगा गेम चेंजर। केंद्र सरकार का बड़ा कदम, बदला गया नेहरू मेमोरियल का नाम, अब पीएम म्यूजियम होगी पहचान। आरबीआई का बड़ा फैसला, 500 रुपए तक की यूपीआई पेमेंट पर नहीं होगी भीम की जरूरत। चावल के बाद गेहूं ने बढ़ाई सरकार की चिंता, उत्पाद कम होने से बढ़ सकती है महंगाई। दिल्ली के बाद अब चुनाव आयोग पर बिल लाएगी मोदी सरकार, बदल जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भारत के लिए अमेरिका बना रहा 5 हेलीकॉप्टर, 1 मिनट में 128 टारगेट हिट करेगा। जीएसटी का एक और झटका, महंगाई दर में इजाफा। टमाटर से भी महंगी हुई फूल गोभी, 130 रुपए किलो पहुंचा रेट। राजस्थान में आज से मिलेंगे महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन, सीएम अशोक गहलोत ने किया बड़ा ऐलान। रिकॉर्ड टोर सप्लाई के बाद भी प्याज हो रही महंगी, 1 महीने में 28% बढ़ी कीमत। अब सरकार का खजाना भरेगी ऑनलाइन गेमिंग, नए कानून के बाद आएंगे 45 से 50 हजार करोड़। बिहार बोर्ड ने निकाली टीचर की भर्ती, सैलरी 4 लाख रुपए महीना, बिना परीक्षा होगा चयन। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, टूट गई सस्ते लोन की आस। एआई के जरिए यूपीआई से होगा भुगतान, नए सिस्टम लाने से विचार कर रही आरबीआई। 2024 में पीएम मोदी की वापसी पर तेज प्रताप यादव ने की भविष्यवाणी, कहा बीजेपी के कई बड़े नेता संपर्क में हैं। टेलीकॉम सेक्टर में आएंगी नौकरियां की बहार, जियो एयरटेल सहित कई कंपनियां बढ़ाएंगी वर्कफोर्स। सर्विस चार्ज पेनाल्टी के नाम पर 5 वर्षों में बैंकों ने कस्टमर से वसूले 35,000 करोड़ रुपए, सरकार ने दी जानकारी। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3, मिशन के लिए अहम दिन। योगी सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली पर किया इनकार, सपा का सदन से वॉकआउट। महाराष्ट्र में भूकंप के तेज झटके, 3.4 रही तीव्रता। नौकरी नहीं बिजनेस पर ध्यान दे रहे भारतीय, हर 10 में से 7 की पहली पसंद कारोबार। बजरंग दल में भी अच्छे लोग, सरकार आने पर नहीं लगाएंगे बैन। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, विश्वकर्मा योजना और पीएम ई बस सेवा को दी मंजूरी।